नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णा नगर कोतवाली पुलिस एवं डीसीपी साउथ सर्वेलांस व क्राइम टीम की संयुक्त कार्रवाई में दो शाते चैन लुटेरों को गिरफ्तार कर कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में एक मोबाइल लूट सहित पीजीआई थाना क्षेत्र में विगत दिन हुई चैन स्नेचिंग की वारदात का खुलासा आज डीसीपी साउथ 23 स्वरूप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों चेन लुटेरे विगत 9 मार्च को कृष्णानगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर गीतापल्ली में रात चलते एक युवती का मोबाइल छीनकर बाइक से भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में विगत 19 जुलाई की रात पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन रोड तेलीबाग सब्जी मंडी के पास नहर पुल से बाइक सवार दोनों चेन लुटेरों ने रात चलती एक महिला के गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर खींच ली थी। इस दौरान महिला साहस दिखाते हुए चेन लुटेरों से भिड़ गई थी और दोनों बाइक सवार लुटेरों को बाइक से गिरा दिया था, किंतु दोनों चेन लुटेरे अपनी बाइक वहीं छोड़कर महिला की चेन लेकर फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों की 200 सीसी की अपाचे बाइक को अपनी कस्टडी में ले लिया था। इस लूट कांड के खुलासे के लिए डीसीपी साउथ की सर्विलांस व क्राइम टीम के साथ पीजीआई पुलिस जुटी हुई थी। इसी क्रम में पीजीआई थाना क्षेत्र से लूटी गई चेन बेचने की फिराक में मंगलवार को दोनों लुटेरे कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के सर्राफा मार्केट में घूम रहे थे। वहीं मुखबिर की खास सूचना के आधार पर प्रकाश में आए इन दोनों लुटेरों की गिरफ्तारी में जुटी डीसीपी साउथ की क्राइम टीम एवं एसीपी कृष्णानगर विनय कुमार द्विवेदी के दिशा निर्देशन एवं कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वही मौके पर दोनों लुटेरों के कब्जे से पीजीआई थाना क्षेत्र में लूटी गई चेन सहित कृष्णानगर थाना क्षेत्र में 4 माह पूर्व युवती से लूटी गए मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों लुटेरों के नाम क्रमशः 22 वर्षीय मोहम्मद अलकमल पुत्र मोहम्मद इब्राहिम एवं दूसरे लुटेरे का नाम 23 वर्षीय रेहान उर्फ आर्यन पुत्र मोहम्मद यूसुफ है। दोनों अभियुक्त सीतापुर जिले के सिधौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत महमूदाबाद चौराहे के निवासी बताए जा रहे हैं। डीसीपी साउथ 23 स्वरूप सिंह ने बताया कि दोनों लुटेरे महंगी रेसर बाइक से राह चलते महिलाओं को निशाना बनाते थे और चेन स्नेचिंग कर अपने गृहजन पर सीतापुर भाग जाते थे। दोनों लुटेरों का थाना मानक नगर पीजीआई तथा कृष्णानगर में आपराधिक इतिहास सामने आया है। पुलिस के इस बड़े गुड वर्क में कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में एसआई विजय प्रताप सिंह, एसआई अंकित कुमार, एसआई अर्जुन राजपूत, हेड कांस्टेबल अभिजीत कुमार, कांस्टेबल रोहित कुमार तथा कांस्टेबल नेमचंद शामिल रहे। वहीं डीसीपी सर्विलांस व क्राइम टीम में प्रभारी क्राइम उप निरीक्षक अजीत कुमार पांडे, हेड कांस्टेबल बद्री विशाल तिवारी, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल रविंद्र सिंह सहित कांस्टेबल गिरीश शामिल रहे। दोनों लुटेरों की गिरफ्तारी में लूट की शत प्रतिशत रिकवरी के बाद डीसीपी साउथ 23 स्वरूप सिंह ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। दिनांक 9/3/2024 को एक महिला जा रही थी, भूपेंद्र सिंह की लड़की, उससे जो है सुबह सुबह इन्होंने मोबाइल छीन लिया था, ये गैंग है। और दूसरी घटना जो रिसेंटली अभी हुई है 19/7/24 को पीजीआई क्षेत्र में एक महिला टीचर थी, वो जा रही थी, उसकी चेन छीन लिया इन्होंने, उसने संघर्ष किया तो ये बाइक छोड़ करके भाग गए थे। ये जो केस हमारा 9/3 का था, जो कृष्णा नगर में मुकदमा लिखा गया था, ये काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। हमारी जो सर्विलांस की टीम थी वो भी लगी हुई थी, कृष्णा नगर दोनों की टीम लगी हुई थी। तो उससे एक गैंग पकड़ा गया जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए जो सीतापुर के रहने वाले हैं, एक का नाम अलकमर है और दूसरे का नाम रेहान है। ये दोनों एक तो आरा मशीन में आरा वाला लकड़ी काटने का काम करता है, दूसरा मोबाइल का काम करता है। ये लोग अक्सर यहाँ आते थे और लूट करके और इसके बाद फिर अपना घर चले जाते थे। तो ये 19/3/19/7 को जो घटना किया उससे पहले इन्होंने 9/3 को घटना किया, जो कृष्णा नगर मुकदमा लिखा हुआ है, साथ ही इसका पीजीआई मुकदमा लिखा गया है। पीजीआई की जो चेन थी वो बरामद हो गई है और जो हमारा कृष्णा नगर का मुकदमा है उसमें जो मोबाइल इन्होंने छीना था वो मोबाइल भी अभियुक्तों से बरामद हुआ है।
इसके साथ कुछ और भी अभियुक्त हैं जिनका इन लोगों ने नाम बताया है, वो भी सीतापुर के रहने वाले हैं, उनके बारे में अलग से कार्रवाई की जाएगी, उनकी छानबीन की जा रही है। ये पहले भी जेल जा चुके हैं। इन घटनाओं के अलावा भी इन्होंने कुछ घटनाएं और भी कबूली है जिसमें अलग से कार्रवाई की जाएगी विभिन्न थाना क्षेत्रों में। कुल मिलाकर सर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेशेवर अपराधी है, इनके अपराधों की संख्या ज्यादा है, क्या जल्दी ही बड़े खुलासे हो सकते हैं? हाँ, इधर ये पेशेवर तो हो ही गए हैं जो कि कई अपराध इन्होंने किया है, और इनके साथ एक जो मेन अपराधी है जिसका नाम यहाँ डिस्पोज नहीं करेंगे हम, वो भी दूसरे जनपद का ही रहने वाला है, जो इनका गुरु है, उसका एक गैंग है, उसके बारे में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही इसे खुलासा किया जाएगा। सर ये कैसे घटना को अंजाम देते हैं? ये बाइक से चलते हैं, इनके पास एक बाइक है, अभी कुछ दिन पहले खरीदा है, 2 लाख की बाइक है, तो बाइक से चलते हैं, जब एकांत में पाते हैं किसी महिला या ऐसे आदमी को, उसको फट से झपट्टा मार के उसका जो पर्स होता है या वो छीनते हैं या चेन छीनते हैं, ये काम करते हैं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।